नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमिता, मेरे यूट्यूब चैनल अमितास किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही एक चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ, भेल पूरी की रेसिपी, जो आपको पता है घर में सभी को बहुत ही पसंद होती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम चटपटी भेल पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। भेल पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है ऑयल, अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल लेंगे, तो थोड़ा सा गरम करेंगे, थोड़ा सा गरम हो जाए। उसके बाद हमने अराउंड 1/2 कप कच्ची मूंगफली ली हुई है, हम इसको इसमें डाल के हमने इसको रोस्ट कर लेना है। अभी इसको थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम से जलने लग जाएगी मूंगफली, तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। बस एक बार थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, जिसे मैंने आपको बताया। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे स्टिर कंटिन्यूसली स्टिर करना है और 2 मिनट तो कम से कम मूंगफली को रोस्ट होने में लग जाएंगे। देखिए अराउंड 1.5 मिनट हो गया है और मूंगफली देखिए तड़कने लग गई है। ये देखिए आपको हल्का हल्का सा आपको खुद ही पता चलना जाएगा, जब लग जाएगा एक स्मेल आने लग जाती है भुनने की। ये देखिए हमारी मूंगफली हो गई है बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेते हैं, किसी टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से हो गई है, मैंने इसको टिश्यू पेपर पे निकाल दिया। इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने करना क्या है, ये हमारा देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल तो है, इसमें अराउंड थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और बाकी पुराने ऑयल को भी हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अराउंड सब 1/4 टी स्पून समझ लीजिए अराउंड इतना डालना है। और उसके बाद ये मैंने परमल लिए हुए हैं, लैया बोलते हैं, परमल बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, ये अराउंड 2 कप मैंने मुरमुरे लिए हुए हैं। अब हम इनको ये इसी ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको, जैसे भेल पूरी आपको 2 दिन बाद बनानी है, 1 दिन बाद बनानी है, तो आप इस तरीके से करके और ज़्यादा करके भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है, ये आपका तैयार हुआ पड़ा है। आप इसके बाद फटाफट इसको निकालिए और बनाइए और सर्व कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी शाम को छोटी सी भूख लगती है हम लोगों को, मन करता है कुछ चटपटा खाने का कुछ और फटाफट बन जाए, तो उसके लिए भेल पूरी बहुत ही अच्छी और यमी लगती है। और मेरे ख्याल से तो घर में सबकी फेवरेट होती है भेल पूरी, छोटे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। हमने इनको 1 मिनट, और याद रखिएगा इसको भी हमने स्लो या मीडियम फ्लेम पे ही करना है और हिलाते रहना है इसको। देखिए परमल को मैंने 1 मिनट के लिए कर लिया था, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। इस टाइम पे हमने इसमें डालना है, आपके पास जो वैसे नमकीन हो, ये मोटी बेसन की मोटी वाली सेव होती है ये, वो है अराउंड 1/2 कप मैं इसमें ये डाल दूंगी और इसको अच्छे से 1 मिनट साथ में हिला लेंगे। अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे, ये सब मैं गैस बंद करके कर रही हूँ, ये जो मिक्स कर रही हूँ, और इसी पैन में कर लेंगे। जो पैन थोड़ा सा गर्म होगा ना, हर चीज़ फ्रेश हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैंने एक छोटा पैकेट, ये नवरत्न नमकीन आती है ना, उसका छोटा वाला एक पैकेट डाला है। इतने में आप जितना बना रहे हैं उसी हिसाब से क्वांटिटी आपकी डलेगी, छोटा पैकेट डाला है। और उसके बाद मैं ये जो पीनट्स मैंने करी हुई थी, ये मैं पीनट्स डाल दूंगी सारी। और इसके बाद मैं ये महीन वाली बेसन की सेव आती है, सेव बोलते हैं जिसको, इसके बाद ये 1/2 कप अराउंड मैं इसमें ये डाल दूंगी। बस इसको सबको अच्छे से, मेरा पैन अभी भी हल्का हल्का गर्म है, हल्का हल्का, तो उसमें ये सब चीज़ें हल्के से सब कुरकुरी हो जाएंगी साथ में। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसके बाद हमने डालना है इसमें पापड़ियाँ। बस ये देखिए पापड़ी बन, चाट के लिए मैंने पापड़ियाँ घर में बनाई हुई थी, उसको छोटा छोटा तोड़ के
एक बहुत ही खस्ता और कुरकुरी होती है तो इसमें बहुत अच्छी लगती है। अब हमारा ये मिक्सचर ये तैयार हो गया है। अब हम चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद देखिए हमारा ये बन गया, तैयार हो गया। अब इसको हम चाहें तो ठंडा करके 2-3 दिन के लिए एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। अगर आपको बनानी है इसमें से जितनी, अगर आपको एक बनने के लिए बनानी है तो आप एक ही के हिसाब से हम बना के आपको दिखाएंगे, बाकी आप बन करके रख दीजिएगा। और जब आपको बनाना है 2-3 दिन तक आराम से इसको आप अंदर एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा और कोई भी नमकीन आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पीनट्स एक्स्ट्रा ज़रूर डालिएगा। पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और पापड़ी ज़रूर डालिएगा, 4-6 पापड़ियाँ तोड़ के डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सब मिलके ही भेलपूरी का असली टेस्ट आता है। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको भेलपूरी बनाना बताती हूँ। चलिए अब हम बाकी की भेलपूरी भी बना लेते हैं, जो इन्ग्रीडियंट्स डाल लें इसके लिए। देखिए ये भेलपूरी हम उतनी ही बाउल में डालेंगे जितनी हमने बनानी है एट अ टाइम, क्योंकि ये तुरंत बहुत जल्दी ख़राब होती है। इसको आपने बनाया मीन्स आप तुरंत फटाफट इसको खा लीजिए। तो देखिए हम अराउंड इतना बनाएंगे कि 1 से 2 लोग खा लें। ये देखिए मैंने इसमें ये भेल डाल दी है। इसके बाद अब चलिए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पीनट ज़रूर डालिएगा अच्छे से और पापड़ी ज़रूर डालिएगा, उसी तरह इसका एक मेन इंग्रेडिएंट और है, बॉइल्ड आलू। ये देखिए एक मैंने हाफ, छोटा है तो एक डाल लीजिए, बड़ा है तो हाफ डाल लीजिए, छोटा छोटा काटिए। इसमें आलू बहुत अच्छा लगता है। 1 से 2 ग्रीन चिलीज, बाकी आप देख लीजिएगा कि बच्चे बड़े कैसा खा रहे हैं, आपको कितना तीखा बनाना है, पर ये तो बेल पूरी तो तीखी ही अच्छी लगती है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। देखिए हम सॉल्ट तो परमल को भूनते टाइम में डाल चुके हैं, पर इसके बाद हम 1/4 टीस्पून ये काला नमक डालेंगे। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट और है, वो है प्याज। प्याज के बगैर भेलपूरी क्या। ये देखिए मैंने एक छोटा प्याज काटा हुआ है। और उसके बाद अब इसमें डालना है हमें नींबू का रस। आधा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाएं उसी हिसाब से, और कितना चटपटा आपको पसंद है उसी हिसाब से नींबू का रस डालिएगा। मैंने इतनी देखिए भेलपूरी के लिए अराउंड 2 लोगों के लिए मैंने एक आधा नींबू का रस डाला है इसमें। अब इसमें डाल देंगे ग्रीन कोरिएंडर, अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत सारा ग्रीन कोरिएंडर डालना है। इसके बाद डालेंगे ये जो ग्रीन चटनी जनरली घर में बनी पड़ी रहती है, 1 चम्मच भर के ग्रीन चटनी डाल देंगे। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी देखनी है तो मैंने ओट्स चीला बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने रेसिपी शेयर करी थी। और 1 चम्मच ये, अगर आप तीखे साइड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ग्रीन चटनी ज़्यादा डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा चटपटा खट्टा मीठा मिक्स बनाना है तो दोनों बराबर बराबर सॉल्ट और ये डाल लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी भेलपूरी तैयार हो गई है। पर अब इसको सर्व करते समय भी हमने 1-2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो बहुत इसका फ्लेवर और टेस्ट को बढ़ा देते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है, डालना है सर्व करने के बाद। कि भेलपूरी हमने इसमें डाल दी है, अब हमने करना क्या, देखिए मैं आपको अब चीज़ें बताती हूँ। इसके बाद जो ये हमने मलाई सेव डाली थी इसमें, ये ऊपर से थोड़ी सी मलाई सेव डालेंगे, महीन वाली जो सेव होती है ये ऊपर से ये डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से अनार। ये देखिएगा जो मज़ा आएगा ना खा के, ये देखिए थोड़े से अनार डालेंगे। उसके बाद एक पापड़ी को रखेंगे यो बीच में। ये देखिए हमारी भेलपूरी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको ट्राई करिए, बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये शाम को छोटी सी भूख लग गई, कोई गेस्ट आ गया, ये बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग बहुत पसंद करते हैं आपको पता है घर में, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। बनानी बहुत आसान है, और सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जनरली हर चीज़ मौजूद रहती है। आप नमकीन आपके पास कोई भी आलू भुजिया है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी करिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये भेलपूरी आपको कैसी लगी।
चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।